उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने शेष हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां जिलों जिलों का दौरा करके सरकार के कामकाज का सीधा संदेश देने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं संगठन लगातार बैठके करके मंथन कर रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड संगठन को सौंप दिया है। इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विधानसभा चुनाव में सरकार के मंत्रियों के टिकट तय होंगे। पार्टी के जानकारों की अगर माने तो इस मुख्यमंत्री के इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार के उन 7 मंत्रियों का जिक्र नहीं है जिन्हें हाल के ही मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार में शामिल किया गया है। बाकी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड करीब 2 से 2.5 साल के कामकाज के आधार पर तैयार करके भेजा गया है। इस रिपोर्ट कार्ड में 20 मंत्रियों के कामकाज पर उंगली उठाई गई है, जिनमें से 11 मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज को बहुत ही खराब बताया गया है। माना जा रहा है इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर संगठन और संघ मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के टिकट तय किया गया। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद शुरू के 1.5 से 2 साल संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव रहा था, जिस पर संघ सरकार के बीच लंबा मंथन चला था। विधायकों का आरोप था कि सरकार के मंत्री उनको तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे जनता के बीच उनकी छवि खराब हो रही है। इन सब सवालों को लेकर हुए मंथन में यह बात तय हुई थी कि सरकार का प्रत्येक प्रभारी मंत्री अपने घर में महीने में एक बार अपने क्षेत्र के विधायकों को डिनर या लंच पर बुलाएगा और उनकी सारी बातें सुनेगा। इसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि संगठन, भाजपा संगठन और सरकार मुख्यमंत्री के स्तर पर सभी मंत्रियों के कामकाज पर नजर होगी और इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। विधायकों के डिनर का सिलसिला मंत्रियों के आवास पर कुछ दिन तो चला, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर लगातार मुख्यमंत्री योगी नाथ काम करते रहे। उन्होंने हर मंत्री के कामकाज को बारीकी से परखा और देखा, उसी आधार पर संगठन को उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। मुख्यमंत्री की यह रिपोर्ट आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के इन 20 मंत्रियों के टिकट के फैसले में अहम भूमिका निभाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।